है नाइन न्यूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी। क्या अमेरिका के मीडिया संस्थान द न्यूयॉर्क टाइम ने भारतीय प्रधानमंत्री की तारीफ की है? क्या द न्यूयॉर्क टाइम में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर एक लेख लिखा गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लेख तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक लेख खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की गई हैं। दावा किया जा रहा है कि ये लेख द न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर इन चीफ जोसेफ हॉप ने लिखा है। इस लेख के मुताबिक कथित एडिटर जोसेफ ने मोदी सरकार की तारीफ की है और कहा है कि खतरनाक देशभक्त बताया है उन्हें, जिसका नेतृत्व और राजनीतिक कौशल दूसरी महाशक्तियों के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। लेकिन क्या वाकई द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसा लेख लिखा गया है? क्या है इस वायरल पोस्ट की सच्चाई? इस रिपोर्ट में देखिए। कई ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने इस लेख को शेयर करते हुए दावा किया है कि इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित किया है। यही लेख एक ब्लॉग पर भी पोस्ट किया गया है। यहाँ इसका शीर्षक है, मोदी कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर इन चीफ जोसेफ हॉप का लेख इस लेख में लिखा गया है, नरेंद्र मोदी का एकमात्र उद्देश्य भारत को एक बेहतर देश बनाना है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो भविष्य में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रूस हैरान रह जाएंगे। वायरल लेख की भाषा शुरू से ही संदिग्ध लगती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय मानकों के उलट इस लेख में कमजोर वाक्य और व्याकरण से जुड़ी गलतियां हैं। हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट खंगाली, लेकिन इस पर हमें ऐसा कोई लेख नहीं मिला। हमने वेबसाइट के आर पीपल सेक्शन में भी जोसेफ हॉप का नाम खोजा, जहाँ पर कर्मचारियों की सूची दी गई थी, यहाँ भी ऐसा कोई नाम ही मिला। ये अजीब था कि सोशल मीडिया पर जोसेफ हॉप को द न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटर इन चीफ बताया गया है। लेकिन हमने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक है। हमने पाया कि जो तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है वो गलत दावे के साथ साझा की जा रही है। हमने अपनी पड़ताल में पाया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा कोई लेख प्रकाशित नहीं किया है। अखबार ने कहा है कि इस संस्थान में जोसेफ हॉप नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं और इसके संस्थापक का नाम डीन बकेट है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा कोई लेख नहीं लिखा है। सर्च करने पर हमें जोसेफ हॉप नाम के एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स का नाम मिला जो एशिया टाइम्स में लिखते हैं, लेकिन उनका कोई भी लेख वायरल हो रहे लेख से मेल नहीं खाता। ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक रिसर्च किया जहां हमें द न्यूयॉर्क टाइम्स की वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन डेनाइल रॉड से हां का एक पोस्ट मिला, जिसमें बताया गया कि वायरल पोस्ट के साथ किया जा रहा दावा गलत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा कोई लेख नहीं छापा गया है और ना ही वहां जोसेफ होप नाम का कोई कर्मचारी काम करता है। उन्होंने कहा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर डीन बकेट हैं और ना ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ना ही ऐसा कोई लेख लिखा है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे सारे दावे भ्रामक हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से वायरल पोस्ट के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। इस मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।